नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजस्वम और आप देख रहे हैं राजस्वम स्टडी पॉइंट चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था पशुओं और उनके आवाज़ के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ बर्ड्स इन हिंदी, यानी पक्षियों की बोलियों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपने वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले होता है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है पक्षी। अब आप किसी भी पक्षी को ले सकते हैं, और पक्षी जो बोलते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं चहचहाना, जिसको ट्विटर कहते हैं, TWITTER। ट्विटर मतलब होता है चहचहाना। इसी ट्विटर वर्ड से ही जो हमारा ऐप लिया गया है, AWP एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं अपने मोबाइल में, वो ट्विटर जो है उसका मतलब चहचहाना। अब हम लोग उस पर जो कुछ भी लिखते हैं उसको चहचहाना ही मान करके लिखिए, ठीक है ना। मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं उस पर लिखते हैं वो तुरंत वायरल हो जाता है, और एक्शन भी उस पर बहुत फास्ट लिए जाते हैं। तो ट्विटर इसी से बना हुआ वर्ड है, जो कि बर्ड के, बर्ड मतलब पक्षी, ठीक है, चिड़िया जिसको कहते हैं, उन्हीं के साउंड्स को लेकर के इस एप्लीकेशन के नाम को रखा गया है। आगे सबसे पहला इसमें लेटर आता है कॉक का। सबसे पहला वर्ड है कॉक, मतलब होता है मुर्गा, और मुर्गा बांक देता है, जिसको कुकडू कू कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में कुकू, CUCKOO, कुकू मतलब कुकडू कू करना। अगला वर्ड है क्रो, CROW, क्रो मतलब होता है कौवा, और कौवा काव काव करता है, जिसको इंग्लिश में स्वे कहते हैं, स्पेलिंग होती है SWAY। डक मतलब होता है बत्तख, ये क्वैक करते हैं, ठीक है, क्वैक मतलब क्वैक क्वैक करना, और स्पेलिंग होती है DUCK। आगे फिर है डक, डक मतलब बत्तख, ठीक है, ये काका करते हैं, और इसको भी इंग्लिश में क्वैक ही कहा जाता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हॉक, HAWK। हॉक मतलब होता है बांझ, और ये क्या करते हैं, चीखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हॉक, हॉक मतलब बाज जो होता है, ये तो चीखते ही हैं, साथ में अगर वल्चर को भी ले लिया जाए, गिद्ध जिसको कहते हैं, तो गिद्ध भी अगर चीखते हैं तो उसके इंग्लिश को स्क्रीमिंग कहते हैं। बस यहाँ पे स्क्रीमिंग कर देंगे, क्रीम के वर्ड जगह पे स्क्रीमिंग कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वल्चर, मतलब गिद्ध का जो चिल्लाना होता है। आगे पढ़ेंगे वीडियो में, देखते हैं है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में इसके वर्ड मीनिंग के साथ इसको बता दूंगा। नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल, और बुलबुल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वो गाती है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉन्ग, SONG। आउल, OWL, आउल मतलब होता है उल्लू, और ये हला करता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हुट, HOOT, हुट। पैरट मतलब तोता, ये स्क्वैक करते हैं, टैटे करते हैं। स्क्वैक की स्पेलिंग होती है SQUAWK, और पैरट की स्पेलिंग होती है PAROT, जिसको आप पहले से जानते होंगे। पिकॉक मतलब होता है मोर, स्पेलिंग होती है पिकॉक की PACOCK, पिकॉक। और ये कुहकना, पिकॉक कुहकते हैं, स्पेलिंग होती है विस्पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विस्पर की स्पेलिंग होती है WHISPER। पीजन मतलब कबूतर, स्पेलिंग होती है PIGEON, जो कि ग्रम्बलिंग करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, गुटरगू करते हैं, ग्रम्बल की स्पेलिंग, ग्रम्बल की स्पेलिंग होती है GRUMBLE। स्टॉर्क मतलब होता है सारस, आप इसको क्रेन भी कह सकते हैं, CRANE स्पेलिंग होती है, क्रेन मतलब होता है सारस, सारस पक्षी जो होता है वो क्रैन, क्रैन कहते हैं, मतलब क्रैक क्रैक करते हैं, स्पेलिंग होती है इनकी वही जो क्रेन की स्पेलिंग होती है, CRANE। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ईगल, गरुण, ठीक है, तो गरुण क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, गरुण भी चिल्लाते हैं, इसको EAGLE, ईगल, द ईगल यहाँ पे लिखा गया है, ईगल मतलब गरुण होता है, और वो साउट करते हैं, SHOUT, साउट मतलब होता है चिल्लाना। टिटहरी, टिटहरी एक चिड़िया का नाम है जो TT करती है, और इसको इंग्लिश में टिंकर कहते हैं, TINKER, टिंकर मतलब होता है TT करना। वल्चर मैंने आपको पहले बताया था, VULTURE,
वेल्चर मतलब होता है गिद्ध, ये स्क्रीमिंग करते हैं, इसको भी चीखना ही कहते हैं। स्पेलिंग होते हैं SCREAMING, स्क्रीमिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए करें। और एक सेकंड का समय लगता है आपको सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो हमारा सपोर्ट करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई टॉपिक क्या रहे आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।